नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गढ़वा जिले के बडीहा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बडीहा पंचायत के ग्राम जीका गांव निवासी एक वृद्ध महिला का मिट्टी घर बारिश के पानी से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। मंगलवार के दिन मदन राम की पत्नी ने बताया कि इस वर्ष पहली बारिश में मेरा मिट्टी का मकान गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। हम लोग 6 सदस्य होते हैं। घर ध्वस्त होने के बाद में पानी की टंकी के घर में रहकर जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, जो कि खाना पीना रहना सिर्फ एक ही कमरे में लोग रहते हैं, काफी मुश्किल से जीवन बसर करते हैं। उन्होंने कहा कि घर ध्वस्त होने की शिकायत अपने टोला के वार्ड सदस्य घर ध्वस्त होने की शिकायत की हूँ। उन्होंने कहा कि विधवा महिला होकर मैं कहाँ पड़ जाऊँ, इसको चलते घर पर ही रहती हूँ। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये महिला बहुत गरीब परिवार है, जो कि पैसे के अभाव के कारण घर ध्वस्त हो गया और ध्वस्त होने के बाद पानी टंकी के रूम में रह रही है। अगर सरकार के यहाँ से इनको मदद मिलेगा तो घर बना सकती है। इस संबंध में बडीहा पंचायत के मुखिया दुर्गा देवी पति श्याम लाल राम से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस तरह के मेरे पास अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, अगर होगा तो इसे जांच कर गरीब परिवार को बहुत जल्द प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने को लेकर प्रयास करूंगा। बडीहा प्रखंड से संवाददाता लवकुश पांडे की रिपोर्ट। बहुत समस्या है, घर गिर गया, हो गया। घर कब गिरा रहे? 3 साल या साठ में आसार में बारिश चलते है। हाँ। तो पूरा उसमें घर में कहाँ रहिला? डिबोर में रहिला हम। उसे पानी टंकी के पास? पानी टंकी के पास रहिला। ये घर में? हाँ। तो जो पहले जो आपका घर था क्या हो गया? ढह गया। अब ढह गया? ढह गया। तो इसके बारे में कहीं भी शिकायत की है? नहीं नहीं किया है। मैंने वार्ड के है यहाँ के वार्ड लला। कहाँ हुआ घर? कहाँ है? यही घर है। वो देखे हैं किस तरह आ रहा है? ऐसे नहीं क्या बोले कहाँ कुछ नहीं तो मुखिया से भी कहे थे? मुखिया अभी अभी तो हम गए नहीं थी सर। अच्छा नहीं गए? नहीं गए थे, नहीं दिए काम। तो ये बताइए कि आप लोग घर के सदस्य आप लोग कितना संख्या होते हैं? 6 गो। 6 गो? हाँ। तो 6 व्यक्ति कहाँ रहते हैं? इधर रहते हैं। इसी घर में रहते हैं। पानी टंकी में कम? पानी टंकी में। फिर वो बताओ पेंशन मिला? पेंशन मिला रहे लेकिन बंद हो गई। अच्छा वो बंद हो गए? वो बंद हो गए। और सरकारी जो राशन कार्ड बना रहे ओकर राशन मिला? हाँ वो तो मिला ला, राशन मिला ला। तो राशन की बार मिला कब की बार? नहीं मिला। क्या समस्या? क्या समय? घर बरसात में ढह गया। किन का? मदन राम के। अच्छा। उसके कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आपका नाम क्या पड़ता है? मनोज राम। तो ये बताइए उनका कैसे मकान गिरा मिट्टी का? बरसात में। अच्छा बरसात में कब? 19 साल। इस वर्ष? तो उस घर के सदस्य लोग कहाँ रहते हैं? ये डीपोर में रहते हैं। डीपोर मकान में? तो इनको आवास अभी तक नहीं मिला है? नहीं सूची में नाम नहीं है। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा कला गढ़वा में कक्षा नर्सरी से 10वीं तक छठ पूजा से पहले निःशुल्क एडमिशन कराएं। यहां पर बच्चों को रहने खाने एवं शिक्षा की सर्वोत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज।